हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे नंबर सिस्टम के प्रश्नों की। नंबर सिस्टम के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए लेकर के आया हूं, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है आपका, 60 में कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है। इस 60 में कितनी संख्याओं से भाग दे सकते हैं आप, आपको ये बता देना है। तो करने का जो सही तरीका है उसे देखिए। ये जो 60 है, इसके क्या करेंगे आप, गुणनखंड कर लीजिए 60 के। तो मैं 60 के सबसे पहले गुणनखंड करूंगा, तो क्या करूंगा, इसे 2 से कटाऊंगा। 60 को मैं 2 से कटाऊंगा तो 30 बार में कटेगा। फिर 30 को क्या करूंगा, 2 से कटाऊंगा तो ये 15 बार में कटेगा। अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, ये 5 बार में। अब 5 से 5 कटेगा 1 बार में। तो इसके जो गुणनखंड निकल के आए वो क्या क्या निकल के आए, 2 × 2 × 3 × 5, यही तो निकल के आए हैं इसके गुणनखंड। ठीक है, अब देखिए, दो दो बार आया है, तो दो दो बार का मतलब क्या है, 2 की पावर 2। ठीक है, अब 3 एक बार आया है तो इसका मतलब क्या है, 3 की पावर 1। और 5 एक बार आया है तो इसका मतलब क्या है, 5 की पावर 1। क्लियर। अब देखिए, इसमें आपको करना क्या, यहाँ तक तो सबको सीधा सीधा समझ में आ गया। अब आपको इसमें करना क्या है, जो पावर है दोस्तों, इसमें पावर 1 बढ़ा करके लिख देंगे। जैसे यहाँ पर पावर 2 है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 1 बढ़ा करके 3। ठीक है, अब यहाँ पर पावर 1 है तो इसमें 1 और बढ़ा के लिखूंगा तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पर पावर 1 है, इसमें 1 और बढ़ा के लिखूंगा तो ये भी 2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12, ये आपका आंसर हो गया। तो 60 में कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है, 12 संख्याओं से भाग दिया जा सकता है, ये आपका आंसर आ गया। और 12 दे रखा है पहले ऑप्शन में। ठीक है, सबकी समझ में प्रश्न आया। 60 के सबसे पहले आपने गुणनखंड कर लिए और उनको आपने यहाँ लिख लिया। 2 आपका 2 बार आया है तो हमने क्या किया, 2 की पावर 2। 3 एक बार आया है, 3 की पावर 1। 5 एक बार आया तो 5 की पावर 1। किसी को कोई डाउट नहीं यहाँ तक, बस इतना करना है कि पावर में आपको एक एक बढ़ा करके मल्टीप्लाई कर देना है, आंसर आ जाएगा। सबकी समझ में बात आ गई, नहीं आई कोई बात नहीं, अगले प्रश्न में और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 360 में कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है। कितने में, 360 में, पिछले प्रश्न की तरह है। तो 360 के हम क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे, फैक्टर कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं इसे 2 से कटाऊंगा तो ये 180 बार में कटेगा, और मैं फिर 2 से कटाऊंगा तो ये 90 बार में कटेगा, और मैं फिर 2 से कटाऊंगा तो ये 45 बार में कटेगा। अब 2 से नहीं कटेगा, अब मैं 3 से कटाऊंगा तो 15 बार में कटेगा, फिर 3 से कटाऊंगा तो 5 बार में कटेगा, अब कटेगा 5 से 1 बार में। ठीक है, तो क्या गुणनखंड निकल के आया इसके दोस्तों, 2 × 2 × 2, 2 आपका 3 बार है, फिर 3 2 बार है, फिर कितनी बार, 3 × 3 × 5, यही तो इसके गुणनखंड है। 2 × 2 × 2, 3 बार 2 है तो हमने 3 बार लिख लिया, 3 आपका 2 बार है, हमने 2 बार लिख लिया, 5 एक बार है, 1 बार। अब देखिए, यहाँ पर 2 कितनी बार आया है, 3 बार। जब 2 3 बार आया है तो आप 2 की पावर यहाँ 3 लिख सकते हैं, इनटू 3 कितनी बार आया है, 2 बार, तो यहाँ पर 3 की पावर आप 2 लिख सकते हैं। और 5 आया है 1 बार, तो 5 की पावर 1 रख देंगे। अब फिर मैंने आपको क्या बताया कि जो पावर आई है इसमें बस एक एक जोड़ करके गुना कर दीजिए। जैसे पावर यहाँ 3 है तो मैं 3 में 1 जोड़ के लिखूँगा 4। ठीक है, पावर यहाँ 2 है, 2 में 1 जोड़ के लिखूँगा 3। यहाँ पावर 1 है, 1 में 1 जोड़ के लिखूँगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर दिए, 4 × 3 = 12, 12 × 2 = कितना हो जाएगा, 24। ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर 24 दे रखा है पहले ऑप्शन में। तो 360 में कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है, 24 संख्याओं से भाग दिया जा सकता है, ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। सबसे सरल सबसे आसान तरीका आपके लिए बता रहे हैं, तो समझने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 15 की पावर 25 में कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। इस बार दोस्तों आपसे ये नहीं कहा गया कि यहाँ पर आपसे जो पिछले प्रश्न में पूछा गया था कि कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है, वो प्रश्न नहीं है। प्रश्न को समझिए, प्रश्न में क्या कह रहा है कि 15 की पावर 25 में कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। अभाज्य गुणनखंड की संख्या देखिए कैसे पता करते हैं, क्या दिया गया है आपको, 15 के क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप गुणनखंड कर लीजिए। ठीक है, गुणनखंड करेंगे, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कटेगा 5 बार में, फिर 5 कटेगा 5 से 1 बार में। तो इसके गुणनखंड क्या निकल के आए, 3 × 5, ये इसके गुणनखंड निकल के आए हैं। तो कितने गुणनखंड है दोस्तों, 1 ये है, 1 ये है, टोटल गुणनखंड कितने निकल के आए हैं आपके पास, 2।
दो ही गुणनखंड तो निकल के आए, तो हमने दो लिख लिया। और इस दो का क्या करेंगे, जो यहाँ पर पावर है उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो दो का मल्टीप्लाई हम 25 में कर देंगे, तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 50। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आपसे पूछा रहा था, तो अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी होगी, 50 होगी। ये आपके प्रश्न का दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही, 50 दे रखा है सी ऑप्शन में, ये आपके प्रश्न का आंसर हो गया। तो कभी भी इस तरीके का प्रश्न पूछा जाए तो आपको करना क्या है, पहले तो गुणनखंड करके ये देख लीजिए कितने गुणनखंड है। ये दो ही तो गुणनखंड आए हैं, तो हमने दो लिख लिया, सीधा सीधा दो का मल्टीप्लाई पावर से कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी तरह का और अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ जाएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 48 की पावर 20 के कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। पिछले क्वेश्चन की तरह है, कोई बात नहीं, उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। 48 का क्या करेंगे आप, फैक्टर मतलब गुणनखंड कर लीजिए 48 की। तो सबसे पहले मैं इसे 2 से कटाऊंगा तो ये 24 बार में कटेगा, फिर 2 से कटाऊंगा तो 12 बार में, और फिर 2 से कटाऊंगा तो 6 बार में कट जाएगा, और मैं फिर 2 से कटाऊंगा तो 3 बार में, और ये कटेगा 3 से 3 एक बार में। तो गुणनखंड कितने निकल के आए, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर लिख देता हूँ 2 × 2 × 2 × 2 × 3, यही तो है 1, 2, 3, 4। दो चार बार ही तो आया है, 1, 2, 3, 4, फिर 3 आया है तो हमने 3 लिख दिया। तो देखिए कितने गुणनखंड है, ये देख लीजिए कितने बार गुना हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5, कितने गुणनखंड निकल के आए हैं, 5 ही तो निकल के आए हैं। पिछले क्वेश्चन में 2 थे तो हमने सिर्फ 2 लिखा था, यहाँ पर 5 हैं तो 5 लिखेंगे। पिछले क्वेश्चन में 2 निकल के आया था, 2 का मल्टीप्लाई पावर में किया था, यहाँ 5 निकल के आया है तो 5 का मल्टीप्लाई पावर में कर देंगे। पावर कितनी है, 20 है। ठीक है, तो 5 का मल्टीप्लाई मैं 20 से कर दूंगा, कितना निकल के आ जाएगा आपका सही आंसर, 100 निकल के आ जाएगा। 100 दे रखा है लास्ट ऑप्शन में, डी ऑप्शन में, ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ सभी बातें सभी की समझ में बहुत ही अच्छे तरीके से आ रही होंगी, कोई डाउट नहीं होगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 2 संख्याओं में अंतर 14 तथा उनका योग 20 है, उनका गुणनफल क्या होगा। 2 संख्याओं में अंतर, तो 2 संख्या ले लीजिए कोई, पहली संख्या x, दूसरी संख्या y, 2 संख्या ले ली, दोनों का अंतर कितना दे रखा है आपको, 14 दे रखा है, और उन दोनों संख्याओं का योग कितना है, 20। तो दोनों संख्याओं का योग कर लीजिए, कितना दे रखा है, योग दे रखा है आपको 20। पूछ रहा है उनका गुणनफल क्या होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ये माइनस का वाई प्लस का वाई कट जाएगा, एक्स और एक्स कितना हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, बराबर 14 और 20 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये 34 हो जाएगा। 2 से 34 को काटेंगे, 17 बार में कटेगा, तो x का मान कितना आ गया आपका, 17 आ गया। अब देखिए यहाँ पर पहली संख्या आपको पता चल गई 17 है, तो क्या दूसरी संख्या पता करने की आपको ज़रूरत है। आप कहेंगे सर बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको दो संख्याओं का योग कितना दे रखा था, 20, जिसमें से x आपका 17 है। x जब 17 है तो y कितना होगा, 3 होगा कि नहीं होगा, तभी तो तीनों दोनों संख्याओं का योग 20 होगा। तो दूसरी संख्या तो आपको वैसे ही पता चल गई, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, दोनों संख्या x और y का गुणा कितना होगा, x गुने y पूछ रहा है क्या होगा। x कितना है आपका, 17 है, y कितना है, 3 है, दोनों का गुणा 17 तरीका कितना, 51 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। बताइए किसकी समझ में नहीं आया होगा, 51 आपका आंसर है, 51 दे रखा है सी ऑप्शन में। ठीक है दोस्तों, एक संख्या आपने निकाल ली जब 17 है, दोनों का योग 20 है, जब x आपका 17, तो वाई कितना रहा होगा, 3, तभी तो दोनों का योग 20 होगा। ठीक है दोस्तों, अंतर की अगर हम बात करें, x आपका 17 है, उसमें से हमने 3 वाई को घटाया होगा, तभी तो 14 आया होगा। तो उम्मीद करता हूँ समझने में किसी को कोई भी समस्या नहीं होगी। अगर मैं दूसरी संख्या निकाल के आपको दिखाऊंगा, निकल के 3 ही आएगा, समय ज़्यादा व्यतीत होगा, तो मुझे आपको वो चीज़ सिखानी है, कम समय लगे और आप एक बार में ही पहचान लें। ठीक है दोस्तों, सबकी समझ में बात आ गई। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 2 संख्याओं का योग 42 है तथा उनका गुणनफल 437 है, तो उन संख्याओं का अंतर है। इस बार दोस्तों आपसे अंतर पूछ रहा है क्या होगा, 2 संख्याओं का योग 42 दे दिया है, दो संख्याओं का योग, मान लीजिए दो संख्या x और y हैं, उनका योग कितना दे दिया है आपको, 42 दे दिया है। अंतर आपको पता करना है, तो जो भी अंतर होगा इन चार ऑप्शन में से कोई एक होगा। तो हम क्या करेंगे, पहला ऑप्शन ले लेते हैं, मान लेते हैं उन संख्याओं का अंतर x y का अंतर कितना है, 4 है, पहला ऑप्शन हमने दोस्तों ले लिया। ठीक है, तो अब मैं इसको जब सॉल्व करूँगा तो यहाँ पर सॉल्व करने पर क्या आएगा, ये प्लस का y माइनस का y कट गया, x और x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, बराबर 42, और 4 कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। अब मैंने 2 से 46 को जब काटा तो ये कटेगा 23 बार में,
तो एक्स का मान आपका कितना आ गया 23। अब देखिए दो संख्याओं का योग कितना था 42 था, जिसमें से एक्स हमको पता चल गया कितना है 23 है, ठीक है। तो मैं 23 में कितना जोड़ूं क्या 42 हो जाए, आप कहेंगे सर 19 जोड़ दीजिए, तो वाई का मान तो आपको वैसे ही पता चल गया 19, 23 प्लस 19 कितना होता 42, ठीक है। तो एक्स आपका 23 निकला है तो वाई कितना होगा, आप कहेंगे सर वाई हमारा 19 होगा, और दोनों का गुणनफल कितना दे रखा है 437। अगर इन दोनों का गुणा करने से आपका 437 आ जाता है तो इसका मतलब क्या है कि आपने एक्स और वाई का अंतर कितना लिया था 4 लिया था, तो 4 आपका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन में अंतर पूछ रहा है। तो मैं क्या करूँ, इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करता हूँ 23 का और 19 का, तो 19 त्रिक का कितना होता है 19 त्रिक का 57 का 7, कैरी का 5, 19 दुने का 38 और 5 कितना हो जाएगा 38 में 5 जुड़ेंगे 43, ये आ गया 437, और इनका गुणनफल आपको 437 ही तो दे रखा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन आपका सही आ जाएगा। आपसे क्या पूछ रहा था अंतर, तो अंतर कितना है, अंतर 4 का है। उम्मीद करता हूँ सही की समझ में आ गया होगा। इस प्रश्न को मैंने क्या किया है, गो थ्रू ऑप्शन के सॉल्व किया है, ऑप्शन से प्रश्न को सॉल्व करके आपको बताया है, और ये सबसे सरल तरीका है। उम्मीद करता हूँ सबकी समझ में प्रश्न अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भाग के एक प्रश्न में एक विद्यार्थी 36 के बदले 63 को भाजक के रूप में ले लेता है तो उसका उत्तर 24 आता है, सही उत्तर क्या है। देखिए उसने 36 के बदले क्या ले लिया, 63 को ले लिया, और जब 63 को ले लिया तो उसका उत्तर क्या आया, 24 आया। 63 को लेने के बाद में उसका उत्तर क्या आया, 24 आया। लेकिन उसको जो लेना चाहिए था वो कितना लेना चाहिए था, 36 लेना चाहिए था ना, उसको आप नीचे रखेंगे हमेशा, याद रखिएगा प्रश्न सॉल्व हो गया। जो लिया है गलती से उसे लिखिए, जो उत्तर आया है उसे लिखिए, लेकिन जो रियल में लेना चाहिए था 36 उसको आप नीचे रखेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 12 से कटाऊंगा, 12 दुने का 24, 12 त्रिक का 36, 3 से कटाऊंगा, 3 दुने का 6, 3 एक कम 3, 21 दुने का कितना होता है, आप बोलेंगे सर 42, आपका आंसर आ गया 42, कहाँ पर दे रखा है, बी ऑप्शन में, ये सही आंसर हो गया। आई दोस्तों सभी की समझ में बात, हमेशा याद रखिएगा इस तरीके का प्रश्न बहुत पूछा जाता है। तो देखिए 36 के बदले में कितना लिया गया गलती से, 63 लिया गया, तो 63 लिखेंगे। जब गलती से लिया गया गलत संख्या ली गई है तो आंसर भी गलत आया होगा, तो 63 लेने पर आंसर आया 24, लेकिन जो सही संख्या लेनी चाहिए थी उसे आप बटे में रखिए, सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ सभी की समझ में प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों आ गया होगा। वीडियो पसंद आया लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।